सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होने के लिए 3 क्वेश्चंस बाकी है, तो हम इन 3 क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे और एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ पर एक एपी है जिसके फोर्थ और एट टर्म का सम है 24 और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44, तो हमें इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कि इस एपी का फर्स्ट टर्म है ए और डी है कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्वेश्चन में इस एपी के फोर्थ और एट टर्म का सम दिया है 24, तो ए फोर प्लस ए एट इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो ए फोर को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D प्लस ए एट को हम लिख सकते हैं ए प्लस 7D, ये इक्वल है 24 के। तो ए प्लस ए हो जाएगा 2A प्लस 3D प्लस 7D हो जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। तो हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमें क्वेश्चन में दिया है इस AP की 6 टर्म और 10 टर्म का सम है 44, तो यहाँ पर आ जाएगा a 6 प्लस a 10 इज इक्वल टू 44। तो सिमिलरली हम यहाँ पर a 6 को लिख सकते हैं a प्लस 5D प्लस a 10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9D इज इक्वल टू 44, तो यहाँ पर भी a प्लस a हो जाएगा 2a और 5D प्लस 9D हो जाएगा 14D। तो यहाँ पर भी हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा a प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और इसे हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 है a प्लस 7D इज इक्वल टू 22 और इक्वेशन 1 है a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर प्लस a और माइनस a कट हो जाएगा, 7D माइनस 5D आ जाएगा 2D और 22 माइनस 12 आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 10 और 2 को हम दूसरे वाली साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 10/2 जो हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें d मीन्स कॉमन डिफरेंस मिल गया है 5, तो हम d की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 5D इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो a एज इट इज आ जाएगा, प्लस 5 इंटू d है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 12। 25 को हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। 25 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, और हम 12 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 13, तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएंगी माइनस 13, a इज इक्वल टू माइनस 13, हेंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर। तो इस ap की फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी a इज इक्वल टू माइनस 13, फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट a2 इज इक्वल टू होता है a प्लस d, तो a है माइनस 13 और d है 5, तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस 5, 5 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8। फिर a3 इक्वल होता है a प्लस 2d के, a है माइनस 13 प्लस 2 इंटू d है 5, तो ये आ जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 आ जाएगा 10, तो 10 माइनस 13 आ जाएगा 3। तो इस ap के फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3, तो हमें यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमने फाइंड कर लिया है, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, शुभा राव स्टार्टेड वर्क्स इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर।
इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है कि शुभा राव ने 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया था जिसके लिए उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 रुपीज और हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होता था, मीन्स हर साल उसकी सैलरी 200 रुपीज बढ़ जाती थी। तो हमें बताना है कि कौन से ईयर में शुभा राव की सैलरी 7000 रुपीज हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एनुअल सैलरी ऑफ शुभा इन 1995 इज इक्वल टू 5000 रुपीज। शुभा राव की एनुअल सैलरी 1995 में थी 5000 रुपीज और हर साल 200 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं तो एपी आ जाएंगी। द एपी इज 5000 5200 2, हमें लास्ट दिया है 7000। हमें बताना है कि उसकी सैलरी 7000 कब होंगी, तो लास्ट टर्म आ जाएंगी 7000। तो इस एपी की फर्स्ट टर्म मीन्स ए आ जाएगा 5000 और कॉमन डिफरेंस मीन्स डी आ जाएगा 200 और ए एन आ जाएगा 7000, क्योंकि हमें बताना है कि उसकी सैलरी 7000 कब हुई। तो यहाँ पर भी हम एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन है 7000 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में 5000, एन हमें फाइंड करना है और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस है 200। तो हम 5000 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू एन इंटू 200 हो जाएगा 200 एन माइनस 1 इंटू 200 हो जाएगा माइनस 200। तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 200 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 200। तो ये आ जाएगा 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200 एन। तो 2000 प्लस 200 हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200 एन और 200 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये एन के साथ मल्टीप्लाई में था। तो ये आ जाएगा 2200 अपॉन 200 इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर 0 0 कट हो जाएंगे और 22 अपॉन 2 आ जाएगा 11। तो n की वैल्यू आ जाएगी 11, n इज इक्वल टू 11। इसका मतलब है कि जब उसने काम ज्वाइन किया था उसके 11 साल बाद शुभा राव की सैलरी हो जाएंगी 7000 रुपीज। मतलब उसकी 2000 रुपीज सैलरी बढ़ने के लिए 11 साल लग गए और ये ईयर हो जाएगा 2006। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज 1.75। इफ इन द एंथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे, फाइंड एन। तो रामकली ने साल के पहले हफ्ते में 5 रुपीज सेव किए हैं और बाद में हर हफ्ते उसने 1 रुपीज 75 पैसे अपने सेविंग में इंक्रीज किए। तो कोई एन वीक में उसकी सेविंग हो जाती है 20 रुपीज 75 पैसे। तो हमें यहाँ पर एन फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रामकली ने कौन से वीक में कितने रुपीज सेव किए। रामकली सेविंग इन द सबसिक्वेंट वीक्स आर रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट वीक में रामकली ने सेव किए 5 रुपीज, तो सेकेंड वीक में रामकली सेव करेंगी 5 प्लस 1.75 रुपीज। हर बार वो 1.75 इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर हमने 5 रुपीज में 1 रुपीज 75 पैसे ऐड कर दिए हैं तो ये आ जाएगा 6.75 रुपीज। तो रामकली ने सेकेंड वीक में सेव किए 6 रुपीज 75 पैसे और ऐसे ही रामकली ने थर्ड वीक तक सेव किए हैं 6.75 प्लस 1.75 रुपीज, जो हो जाएगा 8.50 रुपीज। तो यहाँ से हमें जो एपी मिल रही है वो हो जाएंगी 5, 6.75, 8.50 to 20.75। यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस है 1.75। रामकली हर बार अपनी सेविंग 1 रुपीज 75 पैसे इंक्रीज कर रही है तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.75 और यहाँ पर ए एन हो जाएगा 20.75। तो हम यहाँ पर भी एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेंगे। ए एन है 20.75, ए मीन्स फर्स्ट टर्म है 5, एन हमें फाइंड करना है और डी मीन्स कॉमन डिफरेंस है 1.75।
तो ये आ जाएगा 20.75। प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 था, तो हम 1.75 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75 और ये आ जाएगा 9। तो 9 इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू n। 9 प्लस 1 हो जाएगा 10। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 10। तो राम कली को 20.75 रुपीज सेव करने में 10 वीक्स लग गए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व कर लिया है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 भी यहीं पर खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।